फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप सीडी ट्रे को कैसे इंस्टॉल कर सकते हो अपने लैपटॉप में। मेरा जो लैपटॉप है यह लेनोवो E4125 सीरीज़ का लैपटॉप है और मैं इसका आज आपको सीडी ट्रे इंस्टॉल करना सिखाऊंगा। इससे पहले इसे सीडी ट्रे निकालते कैसे है उसका भी एक वीडियो बनाया, आप ज़रूर देख लें। अब ये जो सीडी ट्रे है यह आप अपना लोकल मार्केट से परचेज़ कर लीजिए या ऑनलाइन आपको मिल जाता तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा लोकल मार्केट से अपना मॉडल का हिसाब से आप ये सीडी ट्रे परचेज कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, लैपटॉप को उल्टा कर लीजिए और जो सीडी ट्रे का स्पेस है लैपटॉप में वहाँ पे आप ये जो सीडी ट्रे है इसको इंसर्ट कर दीजिए। इसको आप अच्छे से डाल दीजिए, सीडी ट्रे का जो स्पेस है उसके अंदर इंस्टॉल कर दीजिए। ये ध्यान रखिएगा कि सीडी ट्रे का जो स्क्रू का नॉब है और वो आपका लैपटॉप का जो स्क्रू का नॉब है उसके साथ मिल जाए तो स्क्रू टाइट करने में आसानी होगा, वरना आपको इश्यू आ जाएगा, फिट नहीं होगा अच्छे से। हाँ, अब आपको करना क्या है, यहाँ जो स्क्रू की जगह में यहाँ आपको स्क्रू टाइट कर देना है। अब आपको चेक करना है कि ये सीडी ट्रे काम कर रहा है नहीं, फिटिंग तो हो गया, इंस्टॉलिंग तो हो गया। अब चेक कैसे करना है, आप अपना लैपटॉप को अब खोल लीजिए। लैपटॉप को खोलने के बाद अब आप क्या करना है, लैपटॉप को खोलने के बाद जो सीडी ट्रे है उसमें जो ओपन बटन होता है उसको आप प्रेस कर दीजिए और प्रेस करने से ये देखिए सीडी ट्रे बाहर आ गया, मतलब सीडी ट्रे हम लोग का एकदम परफेक्टली इंस्टॉल हो गया है। मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ इसे बंद करके फिर से ऑन करके, ये देखिए हमारा सीडी ट्रे एकदम परफेक्टली इंस्टॉल हो गया है। तो यही था इंस्टॉलिंग प्रोसेस, होप आपको अच्छा लगा हो, आपको हेल्प मिला हो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।